हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ 7,500 रुपए में मिलने वाले दो सबसे अच्छे स्मार्टफोन के बारे में। सबसे पहला है रियलमी C11 और उसके बाद दूसरा है मोटो E7 पावर। ये दोनों ही मोबाइल दोस्तों आपको इंडियन मार्केट में 7,500 रुपए में देखने को मिल जाते हैं और काफी अच्छे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के साथ दोस्तों आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में गाइज मैं इन दोनों मोबाइल के बीच में कंपैरिजन करने वाला हूँ और देखेंगे कि इन दोनों मोबाइल में से कौन सा मोबाइल सबसे बेहतर है। तो गाइज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगर आपका बजट 7,500 से 8,000 तक का है तो ये वीडियो गाइज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले गाइज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही ऐसे ही आगे भी ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए गाइज आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इन दोनों मोबाइल के बिल्ड एंड डिज़ाइन क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर अगर Realme C11 का दोस्तों यहाँ पर बिल्ड एंड डिज़ाइन देखें तो यहाँ पर आपको बैक साइड में प्लास्टिक का बैक देखने को मिल जाता है जो कि एक जहाँ पर आपको टेक्सचर इफेक्ट देखने को मिलता है। यानी आप अगर विथआउट केस भी मोबाइल को यूज़ करेंगे तो भी आपको ज़्यादा फिंगरप्रिंट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर डिज़ाइन जो है वो दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 196 ग्राम का वेट है जो कि थोड़ा सा स्लाइटली दोस्तों हैवी देखने को जरूर मिलता है, लेकिन ओवरऑल दोस्तों बिल्ड एंड डिज़ाइन दोस्तों Realme C11 का काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर मोटो E7 पावर की बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको प्लास्टिक का बैक देखने को मिल जाता है क्योंकि इस प्राइस रेंज में दोस्तों आपको मैट फिनिश या फिर दोस्तों ग्लास फिनिश तो देखने को नहीं मिलता है, प्लास्टिक बैक ही देखने को मिलता है। 201 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा हैवी फोन जरूर है, लेकिन ओवरऑल दोनों ही मोबाइल के दोस्तों बिल्ड एंड डिज़ाइन दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना होगा तो वो होगा दोस्तों मोटो E7 पावर, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टाइलिश दोस्तों बैक साइड देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू Realme C11। लेकिन काफी लोगों को दोस्तों Realme C11 का डिजाइन भी पसंद आ सकता है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इन दोनों मोबाइल में से किस मोबाइल का बिल्ड एंड डिजाइन सबसे अच्छा लगा है। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पर पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले Realme C11 की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिलता है नीचे की साइड में, और नीचे की साइड में आपको माइक्रोफोन, USB पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और राइट साइड में आपको पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम बटन दोनों ही देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको सिम कार्ड ट्रे देखने को मिलता है जो कि एक डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट है और यहाँ पर आप स्टोरेज को भी दोस्तों एक्सपेंड कर पाएंगे। और वहीं अगर दोस्तों मोटो E7 पावर की बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिलता है, नीचे की साइड में माइक्रोफोन है, USB पोर्ट है, राइट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है और वॉल्यूम बटन दोनों ही है, और यहाँ पर राइट साइड में दोस्तों आपको एक एक्स्ट्रा असिस्टेंट बटन भी दोस्तों देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिम कार्ड स्लॉट है जो कि हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट है, यहाँ पर भी दोस्तों आप स्टोरेज को एक्सपेंड कर पाएंगे। तो पोर्ट्स एंड बटन्स के मामले में दोस्तों दोनों ही मोबाइल को थम्सअप है। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों मोबाइल के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर अगर Realme C11 की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का HD प्लस IPS LCD वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, और यहाँ पर आपको दोस्तों कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पर जो स्क्रीन का ब्राइटनेस है वो भी दोस्तों यहाँ पर एवरेज देखने को मिल जाता है, इतना ज़्यादा भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है, मतलब इस प्राइस रेंज में आपको ठीक ठाक ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और वही अगर दोस्तों मोटो E7 पावर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 6.5 इंच का HD प्लस वाटर ड्रॉप नॉच वाला IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, यहाँ पर भी आपको कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पर भी दोस्तों ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको IP52 का सर्टिफिकेट देखने को मिलता है इस मोबाइल में। इसका मतलब है थोड़ा पानी वानी वगैरह दोस्तों अगर मोबाइल पर गिर जाता है तो मोबाइल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो Realme C11 में आपको MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एक पावरफुल प्रोसेसर है दोस्तों इस प्राइस रेंज में, और यहाँ पर आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। वहीं अगर मोटो E7 पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको Helio G25 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो प्रोसेसर यहाँ पर दोस्तों Realme C11 से थोड़ा हल्का देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं 2GB 32GB और 4GB 64GB।
यहाँ पर अगर दोस्तों OS और UI की बात करें तो Realme C11 दोस्तों Realme UI 1 के साथ आता है जो कि Android 10 पर बेस है। और यहाँ पर आपको इसके UI में दोस्तों ब्लोटवेस वगैरह कुछ कुछ देखने को मिल जाता है और कई बार दोस्तों एड्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वहीं अगर Moto E7 Power की बात करें तो यहाँ पर आपको वेनिला एंड्रॉयड देखने को मिलता है जो कि Android 10 पर बेस है। और यहाँ पर आपको एक क्लीन UI मिलता है, कोई भी एडवर्टाइज आपको देखने को नहीं मिलती है, कोई भी ब्लोटवेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों OS और UI के मामले में डेफिनेटली Moto E7 Power दोस्तों क्लियर विनर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप दोस्तों एक क्लियर UI के साथ कोई मोबाइल खरीदना चाहते हैं इन दोनों में से, तो यहां पर Moto E7 Power आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। बैटरी की दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो दोनों ही मोबाइल में आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और साथ में 10 वॉट का फास्ट चार्जिंग दोस्तों देखने को मिलता है। और दोनों ही कंपनी दोस्तों क्लेम करती है कि ये जो 5000 mAh की बैटरी है वो 2 दिन तक चल जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों बैटरी काफ़ी बड़ी है दोनों ही मोबाइल में, तो 2 दिन तक दोस्तों ज़रूर से ये बैटरी चलेगी। और अगर आप हैवी यूज़ भी करेंगे तो भी दोस्तों दोनों ही मोबाइल में 1 दिन से 1.5 दिन तक बैटरी चलने वाली है। तो बैटरी के मामले में दोस्तों दोनों ही मोबाइल काफ़ी अच्छे हैं। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों मोबाइल के परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर Realme C11 में आपको MediaTek Helio G35 देखने को मिलता है जिसका AnTuTu स्कोर 110,000 के करीब आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लो टू मीडियम सेटिंग पर गेमिंग वगैरह सब कुछ कर पाएंगे क्योंकि इस प्राइस रेंज में इस प्रोसेसर को दोस्तों एक गेमिंग प्रोसेसर कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लो टू मीडियम सेटिंग पर गेमिंग दोस्तों आसानी से कर पाएंगे। वहीं Moto E7 Power की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G25 देखने को मिलता है। इसका AnTuTu स्कोर भी दोस्तों आपको 110,000 के करीब देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोसेसर है वो गाइस G35 से थोड़ा सा यहाँ पर हल्का देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर आप जो है गेमिंग वगैरह कर पाएंगे लेकिन PUBG, COD, फ्री फायर जैसे गेम को आप दोस्तों सिर्फ वेरी लो सेटिंग पर ही खेल पाएंगे। आप मीडियम सेटिंग पर भी दोस्तों यहाँ पर नहीं खेल पाएंगे। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों यहाँ पर Realme C11 का परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाता है Moto E7 Power से। सेंसर्स की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर Realme C11 में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है, फेस अनलॉक देखने को मिलता है और जायरोस्कोप सेंसर भी देखने को मिल जाता है। वहीं Moto E7 Power में देखें तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड में देखने को मिलता है, फेस अनलॉक देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको जायरोस्कोप देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो दोस्तों Realme C11 में मिलना चाहिए था क्योंकि अभी के टाइम में दोस्तों आप कोई भी मोबाइल अगर 7 से 8 हज़ार के प्राइस में खरीदना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम फिंगरप्रिंट सेंसर तो दोस्तों मिलना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर Realme C11 में आपको देखने को नहीं मिलता है। कनेक्टिविटी की दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें तो दोनों ही मोबाइल में ड्यूल 4G वोल्टी है, इसका मतलब दोनों ही सिम आप 4G यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा ब्लूटूथ 5.0 है, वाईफाई है, काफ़ी सारे दोस्तों GPRS ऐसे आपको कनेक्टिविटी के मामले में ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो कनेक्टिविटी के मामले में दोस्तों दोनों ही मोबाइल काफ़ी अच्छे है। यहाँ पर अगर दोस्तों कैमरास की बात करें तो दोनों ही मोबाइल में आपको सेम कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। पीछे की साइड में दोनों ही मोबाइल में आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल ऐसे 2 कैमरे देखने को मिलते हैं और दोनों ही मोबाइल के फ्रंट साइड में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोनों ही मोबाइल के कैमरे में दोस्तों आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि स्लो मोशन, ब्यूटी मोड, नाइटस्केप मोड वगैरह सब कुछ दोस्तों दोनों ही मोबाइल में आपको फीचर्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 1080p के रिजोल्यूशन पर आप दोस्तों वीडियोज़ और फोटोज़ वगैरह रिकॉर्ड कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर दोस्तों मल्टीमीडिया की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही मोबाइल का मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी दोस्तों आपके लिए सेम रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही मोबाइल में आपको 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। ब्राइटनेस लेवल भी दोस्तों डिस्प्ले का यहाँ पर आपको सेम ही देखने को मिलता है और दोनों ही मोबाइल में सिंगल स्पीकर है और 5000 mAh की बैटरी दोनों ही मोबाइल में है। तो यहाँ पर जो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस है वो दोस्तों डिसेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं दोनों ही मोबाइल में, इतना अच्छा भी नहीं और इतना बुरा भी नहीं। अदर फीचर्स की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर Realme C11 में आपको कैमरा टू API का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, इसका मतलब आप यहाँ पर GCam यूज़ नहीं कर पाएंगे। और अगर GCam क्या है आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, GCam जो है वो Google कैमरा ऐप है। इसकी मदद से दोस्तों आप अपने मोबाइल के कैमरे पर जो है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के फोटोज़ वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है Realme C11 में। इसके अलावा यहाँ पर आपको वाइडबैंड L3 का सपोर्ट मिलता है, L1 का सपोर्ट नहीं मिलता है। और अगर Moto E7 Power को देखें तो यहाँ पर आपको कैमरा टू API का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप GCam यूज कर पाएंगे। इसके अलावा वाइडबैंड L1 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है।
एट द एंड दोस्तों वर्डिक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो रियलमी C11 है उसमें आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज, जो कि आपको 7,499 रुपए में देखने को मिल जाता है। वहीं मोटो E7 पावर में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइस है 7,499 रुपए, और 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट का प्राइस है 8,299 रुपए। तो यहाँ पर जो पहला वेरिएंट है वो दोस्तों दोनों का ही सेम प्राइस पर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो अभी तक के हमने सारे स्पेसिफिकेशन और फीचर्स दोनों ही मोबाइल के देखे हैं उनमें काफी सारे अप डाउन दोस्तों आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जो फीचर्स है वो दोस्तों रियलमी C11 में आपको अच्छे मिलते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स जो है वो आपको मोटो E7 पावर में अच्छे देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर फिर भी दोस्तों इनमें से अगर एक को पसंद करना हो तो वो दोस्तों होगा मोटो E7 पावर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको प्रोसेसर के अलावा सब कुछ अच्छा देखने को मिलता है रियलमी C11 से। यहाँ पर आपको OS और UI भी दोस्तों काफी क्लीन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों सभी मामले में मुझे दोस्तों रियलमी C11 से मोटो E7 पावर अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इन दोनों मोबाइल में से कौन सा मोबाइल अच्छा लगा है और कौन से मोबाइल को आप खरीदना पसंद करेंगे। और अगर कोई भी क्वेरीज दोस्तों आपके मन में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछ सकते हैं। खैर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और साथ ही ऐसे ही और वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।